जिला ऊना में अब लाइसेंस बनाना और भी मुश्किल हो गया है। अब आपको एक स्पेशल क्लास पास करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपना लाइसेंस बना सकेंगे। अब हिमाचल प्रदेश में बिना ड्राइविंग ट्रेनिंग के आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। अब पहले आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में जाकर बाकायदा ड्राइविंग के गुण सीखने पड़ेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा और फिर अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं फिर आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसके बाद ही आप लाइसेंस को अप्लाई कर सकेंगे। इस ड्राइविंग स्कूल में बाकायदा आपको रोड के पूरे रूल्स और बाकायदा मोटर बाइक चलाने के बारे में बताया जाएगा और इस स्कूल में एक मोटर बाइक भी है जिस पर आपको बैठाकर बाकायदा कंपनी के ट्रेनर आपको बाइक चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे। हिमाचल सरकार के अधिकारियों की माने तो स्पेशल क्लास की कोचिंग बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और स्कूल खोलने का मकसद यही है कि इससे एक तो अवैध रूप से लाइसेंस अगर कहीं बन रहे हैं तो उस पर अंकुश लगेगा और सड़क हादसों में भी कमी आएगी। इसमें रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ताकि लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, इसमें सरकार ने ये मतलब एक स्कूल खोला है, एजुकेशन सेंटर, उसमें सेफ्टी ड्राइविंग एजुकेशन सेंटर होंडा मोटरसाइकिल के कोलैबोरेशन में, जो कि नए आरटी ऑफिस की तीसरी मंजिल पे खोला गया है, जिसमें के जो लर्नर लाइसेंस बनाने वाला एप्लीकेंट है या किसी का लाइसेंस रिन्यू होना है या वो लाइसेंस जो हम किसी ऑफेंस में सस्पेंड करते हैं उसकी रेवोकेशन तभी होगी जब वहाँ वो 2 घंटे की ट्रेनिंग करेगा। मेरा नाम सर धर्म सिंह, विलेज जलग्रंड, मैं इधर लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूँ। हैवी लाइसेंस है मेरा, तो जो जो ये बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं रोड पे कैसे चलना। हमारे को तो कईयों को पता, हमको इतने दिन से ड्राइवरी कर रहे हैं, जो नए हैं उनको नहीं पता चलता रोड साइन का, सब बता रहे हैं रोड पे कैसे चलना क्या करना। मेरा नाम प्रदीप है, मैं होंडा कंपनी के सेफ्टी ड्राइविंग एजुकेशन सेंटर से हूँ। हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सहायता से होंडा कंपनी ने ऊना में सेफ्टी ड्राइविंग एजुकेशन सेंटर खोला है, अपना जो आरटी ऑफिस है वहाँ पर। इसमें हम हर किसी को रूल्स के बारे में, सेफ्टी के बारे में और धाराओं के बारे में बताते हैं, जो सेक्शन सभी पर क्या क्या सेक्शन हमारे पर लग सकते हैं। इसमें अब जिसका भी लाइसेंस बनेगा उसको ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है। हमारा ऐसे ऊना से आ गया कोई आरटी ऑफिस से या फिर हर जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आरएम है वो सभी की क्लास है यहाँ पर ही लगेगी। मेरा नाम अंजलि सैनी है, मैं कोटला का से आई हूँ। तो एक्चुअली मुझे जब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए मैंने कल अप्लाई किया था तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ट्रेनिंग का भी गवर्नमेंट ने प्लेयर शुरू किया है। तो वी जस्ट केम एंड हमें मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 2 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करी है। तो वो अटेंड करने से मतलब हम लोगों को खुद अंदर से मतलब ऐसे फीलिंग आ रही है कि काफ़ी अच्छे उन्होंने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन हमको बताए हैं, जो हमें आगे अब हम लोग हमारा परमानेंट लाइसेंस बन जाएगा उसके लिए हमको मतलब काफ़ी यूजफुल होगा। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले भी इन लोगों ने हमारा प्री टेस्ट लिया, हमारी जनरल नॉलेज चेक करी कि मतलब हम किस लायक हैं गाड़ी चलाने के लिए, एंड आफ्टर टेस्ट के बाद भी उन्होंने पोस्ट टेस्ट लिया है हमारा। तो उससे हमारी नॉलेज प्री से पोस्ट के मतलब 2 घंटे में काफ़ी इंक्रीज हो गई। उन्होंने काफ़ी हमें स्टेप बाय स्टेप काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं। मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं महकपुर से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना से, और आज मैं अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने आई हूँ और मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है। ये 1 to 2 hours की ट्रेनिंग थी जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है ट्रैफिक रूल्स के बारे में और कैसे हमें सारे स्टेप बाय स्टेप हमें ट्रैफिक रूल्स जो फॉलो करने चाहिए और उसके बाद कैसे जो मतलब दुर्घटनाएं होती हैं सड़क पे और वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने हमें बताई हैं और वो हम आगे फॉलो करेंगे। ये डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आज के जो यंगस्टर बच्चे हैं हम मोस्टली देखते हैं कि वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करते हैं।